Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. Guys, Redmi Note 7 के सक्सेस के बाद अब Xiaomi बहुत ही जल्द Redmi Note 7 Pro लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है ये दोनों में से कौन सा फ़ोन का वेट करना चाहिए. तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों फ़ोन का और जानेंगे आपके लिए कौन सा एक फ़ोन बेटर है जिसके लिए आप इस फ़ोन का वेट कर सकते हैं. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. शुरुआत करते हैं लुक और डिज़ाइन के साथ. तो दोनों ही फ़ोन का लुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सेम है. तो लुक वाइज आपको दोनों ही फ़ोन सेम ही देखने को मिलेंगे. बैक साइड पे हमें ग्लोसी फिनिश वाला पैनल देखने को मिलता है जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. ये फ़ोन का लुक ऑनर के कुछ स्मार्टफोन की तरह दिखाई देता है. बैक साइड पे वर्टिकल शेप में ड्यूअल कैमरास और फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट दी गई है और बॉटम साइड पे सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी. तो मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे Xiaomi ने सी टाइप पोर्ट ऑफर कर दिया है और इसके साथ टॉप साइड पे 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है. तो ये एक अच्छी बात है. यहाँ पे हमें 3.5mm ऑडियो जैक और सी टाइप पोर्ट भी देखने को मिल जाता है. तो लुक वाइज आपको दोनों ही फ़ोन सेम ही देखने को मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की. तो दोनों ही फ़ोन में 6.3 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती हैं. तो डिस्प्ले वाइज भी Note 7 और Note 7 Pro काफ़ी हद तक हमें सेम ही देखने को मिलेंगे जिसको प्रोटेक्ट किया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से जिसकी वजह से ये फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल रहने वाला है. इसके अलावा हमें इस फ़ोन में Realme 2 Pro की तरह वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलेगी जिसका आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. इस फ़ोन के डिस्प्ले की खास बात ये है इस फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 450 नेट्स की डिस्प्ले होने वाली है. इस फ़ोन की डिस्प्ले इतनी ब्राइट होगी कि आपको धूप में बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा. तो कहीं ना कहीं Xiaomi ने डिस्प्ले में भी कोई कंजूसी नहीं की है. तो डिस्प्ले वाइज भी काफ़ी अच्छा ये फ़ोन रहने वाला है. तो डिस्प्ले वाइज भी Note 7 और Note 7 Pro काफ़ी हद तक हमें सेम ही देखने को मिलेंगे. अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की. तो दोनों ही फ़ोन में हमें डिफरेंट टाइप का प्रोसेसर देखने को मिलेगा. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi Note 7 की. तो इस फ़ोन में हमें Qualcomm Snapdragon 660 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसको क्लॉक किया गया है 2.2 GHz पर. जी हाँ, इसे अंडर क्लॉक नहीं किया गया है दूसरे स्मार्टफोन की तरह और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है इंडियन कंज्यूमर को. जहाँ दूसरी ओर Redmi Note 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर देखने को मिलेगा. ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है. इस प्रोसेसर के अंदर लेटेस्ट फोर्थ जनरेशन वाला क्रायो 460 कोर्स देखने को मिलता है. ये काफ़ी पावरफुल हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो दो कोर्स मिलते हैं वो 2.0 GHz पर क्लॉक हैं जो कि Cortex A76 पर बेस हैं जो कि काफ़ी लेटेस्ट हैं और बाकी के 6 कोर्स Cortex A55 के मिलते हैं जो कि 1.7 GHz पर क्लॉक हैं. तो यहाँ पे 15-20% एप्लीकेशन को ओपन करने की स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू Qualcomm Snapdragon 670 और 710 प्रोसेसर. तो बहुत ही अच्छा स्पीड देखने को मिलेगा इस बार Qualcomm Snapdragon 675 चिपसेट के साथ. ये जो प्रोसेसर हैं वो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हैं जिसकी वजह से हमें बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिल जाएगा. अगर हम बात करें GPU की तो यहाँ पे हमें Adreno 612 का GPU देखने को मिलेगा और ये GPU काफ़ी ऑप्टिमाइज किया गया है. जब आप गेम खेलोगे तो आपके गेमिंग का लोडिंग का टाइम फास्ट होगा प्लस आप लोगों को लैग और स्टटर भी देखने को नहीं मिलेगा. तो Qualcomm ने इस बार इस प्रोसेसर को स्पेशली गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है. इसके अलावा AI डिपार्टमेंट में भी इस प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है. तो परफॉर्मेंस वाइज इस प्रोसेसर से हमें कोई भी शिकायत नहीं होगी. अब बात कर लेते हैं आपके लिए कौन सा प्रोसेसर बेटर है. अगर आप एक हार्डकोर यूज़र हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन के साथ बिताते हैं ज़्यादा गेमिंग करते हो ब्राउजिंग करते हो इसके अलावा हैवी एप्स यूज़ करते हो अपने स्मार्टफोन में तो ऐसे में आपके लिए Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर बेटर रहेगा जो आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल जाएगा. अब बात कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की. तो Redmi Note 7 में बैक साइड पे ड्यूअल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा 48+5 मेगापिक्सल. जी हाँ, प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा और उसका अपर्चर होगा f1.8.
इसके अलावा इस फोन के अंदर जो सेंसर यूज किया गया है वो है सैमसंग ISO सेल GM1 सेंसर। जी हाँ, ये सेंसर बहुत ही तगड़ा सेंसर है जो Xiaomi ने Redmi Note 7 में यूज किया है। और जो 5 मेगापिक्सल का जो दूसरा सेंसर है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए काम आएगा, जिसकी वजह से हम ब्लर फोटो भी कैप्चर कर पाएंगे। और इसके साथ हमें EIS का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बट मुझे एक कमी लगी, इस फोन के कैमरा में हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 1080p फुल HD में आप वीडियो को शूट कर पाओगे। और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर। अब बात कर लेते हैं Note 7 Pro की, तो इस फोन में हमें बैक साइड पे ड्यूअल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा 48+5 मेगापिक्सल। इसके अलावा इस फोन में कैमरा के अंदर जो सेंसर यूज किया गया है वो है Sony IMX586, जो कि रियल 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। जी हाँ, ये सेंसर बहुत ही तगड़ा सेंसर है जो Xiaomi ने Redmi Note 7 Pro में यूज किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे 20 या 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सेल्फी कैमरा का ज्यादा है। ऑन पेपर तो दोनों ही फोन के कैमरास काफी अच्छे नजर आते हैं, बाकी दोनों फोन हाथ में आने पर पता चलेगा किस फोन का कैमरा बेटर है, तो अभी के लिए जज कर पाना मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं बैटरी कैपेसिटी की, तो दोनों ही फोन में 4000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, और साथ में हमें क्विक चार्ज 4.0 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम फोन को कम टाइम में फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैटरी डिपार्टमेंट में भी Xiaomi ने कमाल कर दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, तो ये फोन ड्यूअल 4G को भी सपोर्ट करता है और ड्यूअल वोल्टी को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस फोन में हमें ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और टाइप सी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के मामले में भी Xiaomi ने कहीं पे भी कंजूसी नहीं की है, तो कनेक्टिविटी के मामले में भी दोनों ही फोन सेम ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो Redmi Note 7 में हमें आउट ऑफ द बॉक्स Android Oreo देखने को मिल जाएगा, जो आज की डेट में थोड़ा पुराना Android सॉफ्टवेयर हो चुका है, जबकि Note 7 Pro में आउट ऑफ द बॉक्स Android Pie देखने को मिल जाएगा, जो एक लेटेस्ट Android सॉफ्टवेयर है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो Redmi Note 7 की स्टार्टिंग प्राइस 11000 के आसपास देखने को मिलेगी, जबकि Redmi Note 7 Pro की स्टार्टिंग प्राइस 14000 के आसपास देखने को मिलेगी। आखिरकार घुमा फिरा के बात यहाँ पर आ जाती है, दोनों फोन में से कौन सा एक फोन बेटर है। तो अगर आपको बेटर प्रोसेसर चाहिए, इसके अलावा बेटर कैमरा चाहिए, तो आप वेट कर सकते हैं Note 7 Pro का। बाकी दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में इन दोनों में से कौन सा एक फोन बेटर है, और आप कौन से फोन का वेट कर रहे हैं, Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7 Pro। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।